बट ये जो है लाकाड़ का इलाका है जो कि सबसे खूबसूरत है, हरियाली है और टी गार्डन्स है, तो अगर आप आते हो तो यहाँ पे ज़रूर आना। फोटो शूट के लिए सबसे बढ़िया जगह है, आप देख सकते हैं जो लैंडस्केप है, यहाँ पे आप खड़े होके आपकी सबसे बेस्ट सेल्फी ले सकते हैं। हे गुड मॉर्निंग टू ऑल, अभी सुबह 7 बज चुका है और मैं उठ चुका हूँ। मैं आपको बाहर की नज़ारा दिखा रहा हूँ जो ट्री हाउस के बाहर की है। और सबसे पहले, अगर मेरा कल का एपिसोड नहीं देखा है तो आप ये लिंक को क्लिक कर सकते हैं जो अभी राइट साइड में आपके स्क्रीन में ब्लिंक कर रहा है। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो ताकि कोई भी वीडियो मेरा मिस ना करें। और मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा रहा हूँ जो ट्री हाउस है। अभी टेम्परेचर आई थिंक 10 to 12 है और काफ़ी ठंड लग रहा है। मुन्नार में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कम रहता है कंपेयर अदर पार्ट ऑफ केरला। आप ये ट्री हाउस देख सकते हैं जो कि ट्री के ऊपर ही बना हुआ है। बहुत ही अच्छा खूबसूरत जगह है ये मुन्नार। और एक्चुअली मैं मुन्नार में नहीं हूँ, यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर पर है ये प्लेस और मैं ट्री हाउस बुक किया था। तो अगर आप चाहते हैं आने के लिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ इस रूम का, तो आप बुक कर सकते हैं। बट थोड़ा सा दूर पड़ेगा क्योंकि मुन्नार में के आसपास तो कोई आपको ट्री हाउस नहीं मिलेगा, बट अगर आप यहाँ आते तो ट्राई कर सकते हैं। अच्छा नज़ारा है, आप ये रूम देख सकते हैं। तो चलिए मैं अभी नहा धो के तैयार हो जाता हूँ, फिर आपको दूसरे सबसे खूबसूरत प्लेस जो मुन्नार की है तो इराविकुलम नेशनल पार्क है, वहाँ जाना है, तो आपको वहाँ लेके जाऊँगा, फिर अदर प्लेस आपको दिखाऊँगा। अब मैं होटल से चेकआउट कर चुका हूँ, अब मैं सीधे जा रहा हूँ देवीकुलम के तरफ जहाँ पर सबसे शानदार नज़ारा होता है जो दोनों साइड से रोड्स होता है। और उसके बाद भी मैं दूसरे प्लेस को जाऊँगा, वहाँ से थोड़ा सा 15 किलोमीटर दूर है जो कि नेशनल पार्क है मुन्नार के। तो चलिए चलते हैं। अब मैं मुन्नार के वे पे हूँ, बट ये जो है लाकाड़ का इलाका है जो कि सबसे खूबसूरत है, हरियाली है और टी गार्डन्स है, तो अगर आप आते हो तो यहाँ पे ज़रूर आना। अब मैं पहुंच चुका हूं मुन्नार और यहां से मुझे ब्रेकफास्ट करके निकलना है। सो मैं कल जहां पर सारवणा भवन से लंच किया था तो वहीं पर आ गया, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूं तो यहां का खाना मुझे बहुत पसंद है। और
अगर आप वेजिटेरियन हो तो सागरमाला तो अपन जरूर आना, अभी भी करला होगा तो यहाँ की खाना बहुत शानदार तो यहाँ की खाना बहुत ही अच्छा होता है। आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो एक बार ट्राई करना यहाँ की सागरमाला। अब ब्रेकफास्ट ख़त्म हो चुका है, अब मैं सीधा जाऊंगा नेशनल पार्क की तरफ और यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, फिर चलते हैं वहाँ आपको दिखाता हूँ कैसे नज़ारा है। अब मैं पहुँच चुका हूँ अरबीकुलम नेशनल पार्क, यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है बट मुन्नार से आने में रोड बहुत अच्छा है कम्पेयर टू अदर रूट्स, तो आप बाइक या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ सकते हैं और आप कार रेंट रहे तो कार से डायरेक्ट आ सकते हैं। वहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर है, बहुत ही अच्छा रोड है, विद इन 10 मिनट्स आप पहुँच जाएगा आराम से। तो ये नेशनल पार्क है, सबसे ज़्यादा फेमस है मुन्नार में, और जो मुन्नार आते हैं तो खास करके हर कोई यहाँ आना चाहता है तो आप एक बार ज़रूर आना। ये टिकट काउंटर है, आप चाहे तो ऑनलाइन बुक कर सकते हो, मैं कल ट्राई कर रहा था बट हो नहीं पाया क्योंकि कुछ नेटवर्क इशू की वजह से, अब मुझे यहाँ से ही कलेक्ट करना पड़ेगा टिकट। अब मैं टिकट ले चुका हूँ जो कि प्राइस है 200 रुपीज़ पर पर्सन, और अगर आप साथ में कोई कैमरा लेते हो जैसे कि मेरे जैसा तो आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और आई थिंक चिल्ड्रन के लिए 60 रुपीज़ है, मैं ठीक से मैं देखा नहीं बट अगर फैमिली के साथ आते हो तो आप चेक कर लेना। अब मैं जा रहा हूँ अंदर यहाँ पे, और एक बार बता दो अगर बाइक से आते हो तो पार्किंग अलाउ नहीं है, पार्क का बाहर रखोगे, अगर आप कार से आते हो तो कार का अंदर पार्किंग है, तो अगर बाइक आते हो कुछ सामान लेकर आते हो तो मेक श्योर कि आपका सामान सही रहे, नहीं तो फिर आप होटल पे ड्रॉप करके आइए। मैं होटल आज चेकआउट कर चुका हूँ इसी वजह से मैंने बैकपैक जो है पूरा लेकर आ गया हूँ। चलिए आगे चलते हैं कि अंदर का सफारी जो है वो विजिट करते हैं। यहाँ बहुत ही ज़्यादा रश है, आई थिंक मुझे लग रहा था कि यहाँ खाली होगा और यहाँ बहुत ज़्यादा रश है। दो घंटे वेट के बाद अभी बस से निकल रहे हैं और पार्क और जा रहे हैं। पंद्रह मिनट के बाद जो हिल के टॉप पर है पार्क, वहाँ पर आप आ सकते हो इस बस से। सबसे ब्यूटीफुल लैंडस्लाइड जब आप नीचे से ऊपर होके आओगे, जब बस से आओगे तो जो दोनों तरफ से चाय का गार्डन है और यहाँ की जो हाइट जो है ऊपर से आएगा तो वो बस देखने का नज़ारा अच्छा आता है। फोटोशूट के लिए सबसे बढ़िया जगह है, आप देख सकते हैं जो लैंडस्लाइड से यहाँ पे आप खड़े होके आपकी सबसे बेस्ट सेल्फी ले सकते हैं। 1978 में इस फॉरेस्ट को रिकॉग्नाइज मिला आज इन नेशनल पार्क, और मेन इंटेंशन था इसको पार्क बनाने की जो यहाँ की जो नीलगिरी टाइगर है तो जो जंगली शायद एक प्रजाति का बकरी होते हैं तो उनको संरक्षण करने के लिए ये बनाया गया था।
ये प्रजाति के जीव सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और इनके कंजर्वेशन के लिए ये पार्क बनाया गया है। ये प्लेस हाइकिंग के लिए सबसे बढ़िया है। अगर आप आते हो वहाँ पे 2-3 किलोमीटर हाइक करना चाहते हो तो मुन्नार के वहाँ पर आ सकते हैं आप। चलिए यहाँ से नीचे उतरते हैं और उसके बाद आज यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था बस से, वहाँ निकल के फिर मैं मुन्नार की तरफ जाऊँगा। इट्स अ नाइस प्लेस। अगर आप नेचर को पसंद करते हैं और यहाँ के डिस्टेंस थोड़ा सा आप वॉकिंग करना चाहते हैं तो ये बेस्ट प्लेस है, आप ज़रूर आइए यहाँ पे। यहाँ पे दूसरे प्रजाति के जानवर हैं बट दिखता नहीं है। खास करके सबसे ज़्यादा जो कंजर्वेशन किया गया है वो है नीलगिर थार, और उसके अलावा और तो कोई दिखता नहीं है। फाइनली नीचे आ चुके हैं, अब टाइम हो चुका है 4। सो अभी मैं मुन्नार जाऊंगा। लंच तो किया नहीं, भूख तो लग रहा है। आफ्टर लंच मैं डिसाइड करूंगा कि आज मुन्नार में स्टे करना है या मुझे ठिकड़ी की तरफ जाना है, क्योंकि मेरा प्लान जो है कोचिन टू मुन्नार। मुन्नार का ट्रिप जो ख़त्म हो चुका है, उसके बाद ठिकड़ी से फिर अलपी के बाद कोचिन। सो ये पूरा सर्कल जो है घूमना है। अब यहाँ से 110 किलोमीटर जो है टेकड़ी है, बट रोड इतना सही है या नहीं मुझे नहीं पता। तो पहले लंच करते हैं, मुन्नार जाते हैं। यहाँ से मुन्नार 9 किलोमीटर दूर है, फिर उसके बाद मैं सोचूंगा यहाँ पे मुन्नार में इवनिंग को क्या करूँगा या फिर टेकड़ी जाऊँगा। अब फूड आ चुके हैं, थोड़ा सा लेट हो गया, मैं ऑर्डर किया हूँ गोभी मंचूरियन। अब खाना खाने के बाद डिसाइड किया हूँ कि डायरेक्ट ठेगड़ी जाऊँगा। यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है जो मैंने एक होटल देखा हूँ, जो कि मैं booking.com से अभी रिजर्व कर दिया हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ 3.5 घंटे में पहुँच जाऊँगा। अभी टाइम जो है 5:30 है, तो 8:30 बस या 9 बजे तक पहुँच जाऊँगा आराम से, क्योंकि कल मुझे ठेगड़ी घूमना है। मैं आज इसीलिए ठेगड़ी निकल रहा हूँ, अगर कल सुबह निकलूँगा तो 3-4 घंटे ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। और मेरे 2 बजे कल एक रिसोर्ट मैंने बुक किया जो कि 2 बजे एंट्री टाइम है, तो इसी वजह से मैं कोशिश करता हूँ आज रात को वहाँ पहुँचूँ और सुबह वहाँ पर एंट्री करूँ। तो चलो ये फिर ठेगड़ी चलते।
अब मैं 23 किलोमीटर पीछे हूँ मेरे होटल से, तो तकरीबन 60 किलोमीटर मैं कवर कर चुका हूँ। और केरला में 60 मतलब वो 80 होता है, और रोड्स आर वेरी कॉर्ड एंड आई एम वेरी न्यू टू दिस यू नो दिस रोड, और मेरे को एक्सपीरियंस भी नहीं है इस रोड में, बट कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक से चलाने के लिए। चलिए नेक्स्ट आपको होटल में मिलते हैं। और एक बात, ये फुल मून नाइट चल रहा है और साथ में जो हाईवे है और जो फॉरेस्ट के अंदर जो बाइक चलाने का जो मज़ा आता है ना, वो कुछ और ही होता है। मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं बाइक रोक नहीं पा रहा हूँ, बट इससे शानदार है। आप कभी ट्राई करना, अगर कभी केरला आते हैं तो कोशिश करना बाइक एक बार चलाने के लिए, और ख़ास करके फॉरेस्ट के अंदर वो, और यहाँ की कुछ तरह का कुछ खास फूल होता है वो, उसका महक कुछ अलग सा होता है। आप अंदर चलाते हो ना, वो उसका फ्रेगनेंस होता है, वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, बट इट्स ऑसम। आप कोशिश करना एक बार ज़रूर आके। चलिए मिलते हैं होटल पे। वैसे मैं जिस रूम पे ठहरा हूँ वो एक ओनर का प्रॉपर्टी है, वो साइड में एक रूम दे रखे हैं, आज ए गेस्ट हाउस कह सकते हो। तो रेंट बहुत ही कम है, 680 रुपीज़ इज़ नथिंग एल्स, बट जो उन्होंने गेस्टर दिखाया वो बहुत अच्छा है। जो कि यहाँ पे खाना हर होटल में नहीं मिलता है, बट 680 में क्या खाना दे सकते हैं, बट उन्होंने मुझे डिनर खिला रहे हैं और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट दिए। मैं आपको दिखा देता हूँ जो फूड है। वैसे मैं बहुत थक चुका हूँ तो यहीं पे बैठ कर खा लेता हूँ, और मुझे ज़्यादा भूख लगी है तो ये मेरा फेवरेट है। मैं मिक्स सब्जी और चपाती मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैं सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बता दूँ, अगर आप सबसे चीपेस्ट रेट में ठेकड़े में रहना चाहते हो तो यही चीपेस्ट रेट है, तो आपको booking.com से आप मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया हूँ। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।